हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने निवास स्थान पर अपने परिजनों के साथ योग दिवस पर योगा की विभिन्न क्रियाएं की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष आज छठा योग दिवस मना रहा है और सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग योगा से योग करते हैं निरोग होते हैं, और जो लोग योगा करते हैं वो निरोगी होते हैं। योगा शरीर का सबसे बड़ा एक व्यायाम, एक ऐसा हथियार है कि जो निरोग बनाने का काम करता है, और हम लोगों को इसकी शुरुआत हुई, बाबा रामदेव जी ने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में योग दिवस आज मन रहा है। तो इस योगा का लाभ लेना चाहिए। इस योगा से आम आदमी के जीवन को जो बीमारियां हैं सब दूर होती है और आदमी स्वस्थ रहता है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने निवास स्थान पर योग क्रिया की। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की प्राचीन विधा है। योग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री अनीता शर्मा ने भी अपने निवास स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन किया। उनका कहना है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते सभी को योग अपनाना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। वजीरपुर जीएचएस डीपीई इंदिरा सक्सेना ने बताया कि योग दिवस पर सभी को योग करना चाहिए और अपने जीवन की नित्य क्रियाओं में इन्हें शामिल करना चाहिए, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भारत वर्ष को निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel and hit the bell icon.